नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज टाइम्स में। कर्नाटक में अब की बार किसकी सरकार, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तारीख देखी जाए 10 मई को तो यहाँ पर चुनावों की वोटिंग हुई थी, उसके बाद एग्जिट पोल भी लगातार सामने आते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन एग्जिट पोलों में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी हार साबित होती नजर आ रही है। देखा जाए तो 13 मई को रिजल्ट भी सामने आने वाला है। आज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर की बात जरूर की जा रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी लगातार यहाँ पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं 99 से लेकर 109 सीटों पर जीत हासिल करने की बात कही जा रही है, और वहीं पर 88 से लेकर 98 तक सीटें यहाँ पर बीजेपी की बताई जा रही है। देखा जाए तो मोदी सरकार यहाँ पर लगातार दिखाई दी। यहाँ पर पीएम मोदी खुद नजर आए, जेपी नड्डा नजर आए, अमित शाह नजर आए, और कहीं ना कहीं चाणक्य नीति जो अमित शाह की होती है वो इस बार कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के पास हथकंडे बहुत सारे थे। उनके पास इस बार जो राहुल गांधी की गई सदस्यता वो एक बड़ा हथकंडा था, इमोशनल कार्ड कहीं ना कहीं कांग्रेस खेलती नजर आई, और राहुल गांधी भी उसी जगह पहुंचे जहां पर उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, और वहां पर काफ़ी सारी जनता उनका समर्थन करती नजर आई। अगर यहां पर बीजेपी की बात की जाए तो जब पीएम मोदी यहां पर रैली लेकर पहुंचे थे, रैली निकालने पहुंचे, तो बताया गया कि 26 किलोमीटर तक लगभग यहां पर पीएम मोदी की जो जनसभा थी, जो रैली थी, वो लगातार चलती हुई नजर आई। और इस वक्त यहां पर जब उस समय पर जनता जो थी उसका जमावड़ा भी, उनका आंकड़ा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आया, तो कहीं ना कहीं माना यह जाता है साउथ के लोगों के लिए कि यहाँ पर जब किसी को जगह देते हैं दिल में तो वो यहाँ पर पूरी तरीके से जगह देते हैं, विश्वास पूरी तरीके से करते हैं। तो कहीं ना कहीं पिछली बार के चुनावों की बात की जाए, पिछले 5 साल पहले की बात की जाए, तो यहाँ पर मौका जो दिया गया था वो कांग्रेस को दिया गया था कर्नाटका में, लेकिन यहाँ पर जोड़ तोड़ की राजनीति की गई, जेडीएस के साथ हाथ मिलाया गया, और उसके बाद यहाँ पर बीजेपी अपनी सरकार बनाती नजर आई। यहाँ पर येदियुरप्पा थे, बोमई थे, बहुत सारे ऐसे नेता जो थे जो लगातार सीएम बनने की लाइन में लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पर मौका जो मिला था वो यहाँ पर कहीं ना कहीं येदियुरप्पा को मिलता नजर आया, लेकिन जब उसके बाद सरकार टूटी तो यहाँ पर बोमई जो है वो यहाँ पर बनते नजर आए थे सीएम। अब देखा जाए यहाँ पर तो उनकी सरकार में भी काफ़ी सारे यहाँ पर मुद्दे निकल कर सामने आए, लेकिन सरकार बीजेपी की थी तो इसलिए बीजेपी उन सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में भेजती नजर आई, और जनता इस बात को पूरी तरीके से समझ रही थी। अब देखा जाए यहाँ पर तो कांग्रेस को पिछली बार जिताया था, और यहाँ पर परंपरा जो 38 सालों से लगातार चल रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो बारी बीजेपी की है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने जोड़ तोड़ की राजनीति की तो उससे यहाँ पर जो जनता है वो कहीं ना कहीं परेशान होती नजर आई, और उसके बाद अब यहाँ पर क्या होगा वो आंकड़ों ने साफ दिखा दिया है। एग्जिट पोल यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका देते नजर आए, एक नहीं दो नहीं काफी ऐसे एग्जिट पोल लगातार सामने आते नजर आ रहे हैं। ज्यादा दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 13 मई को रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। अब माना यह जा रहा है कि जो इस साल के विधानसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेमीफाइनल के रूप में देखे जा रहे हैं, क्योंकि 2024 जो है उसमें लोकसभा चुनाव फाइनल है। आखिरकार किसकी सरकार बनेगी, क्या एक बार हैट्रिक मारती नजर आएगी बीजेपी, 15 साल पूरे करती नजर आएगी, या फिर यहाँ कांग्रेस को इस बार जनता मौका देगी, ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन अब देखा जाए कर्नाटका की तरफ तो यहाँ पर जो प्लस पॉइंट है कांग्रेस के लिए, एक तो राहुल गांधी का इमोशनल कार्ड हो गया, दूसरा गृह राज्य माना जाता है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे का, इस वजह से एक प्लस पॉइंट ये भी माना जा रहा है। तीसरी बात, प्रियंका गांधी लगातार यहाँ पर रैलियां करती नजर आई, उनके साथ समर्थन की अगर बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद में समर्थन नजर आया, और उस बात का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आएगा, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर बीजेपी की बात की जाए, और अब तो उनके यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी उतर आई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी उस लिस्ट में कहीं नजर नहीं आ रही जो एग्जिट पोल सामने आते नजर आ रहे हैं। पहले नंबर पर कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर बीजेपी है, तीसरे नंबर पर जेडीएस है, उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं अदर 0 से 1 की बात कही जा रही है। देखना यह है कि आखिरकार कौन सी पार्टी यहाँ पर रंग लेकर आती है, क्योंकि कर्नाटका के चुनाव बहुत अहम माने जा रहे हैं। यहाँ पर 224 सीटों पर चुनाव थे जिसका एग्जिट पोल धीरे धीरे कर सामने आता नजर आ रहा है। सुबह 10 बजे से उसकी वोटिंग लगातार शुरू हो गई थी, महिलाओं ने 5 करोड़ लोगों ने लगभग यहाँ पर माना जा रहा है कि 5,68,000 यहाँ पर महिलाएं थी, 5,62,000 यहाँ पर पुरुष थे, यानी कि यहाँ पर जो महिलाएं थी उनका जो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक माना जा रहा था आंकड़ा वो सबसे ज़्यादा बढ़कर नजर आया। कर्नाटका में एक और मुद्दे की बात करना चाहेंगे, केरल स्टोरी की, वो सबने देखी थी कि किस तरीके से बुरखे का मामला लगातार यहाँ पर उठा था, कॉलेज नहीं पहनकर जाना है, ये सारी बातें हुई, धन की राजनीति की बातें होने लगी, कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकती नजर आई, ये बात बीजेपी
बीजेपी ने यहाँ पर कही, लेकिन अब जब फिल्म उस मुद्दे पर रिलीज होने लगी तो यहाँ पर काफ़ी सारे नेताओं ने इस पर रोक लगा दी, लेकिन वो फिल्म अब भी रिलीज हुई है और लोग लगातार देखने भी जा रहे हैं उस फिल्म को। तो साफ तौर पर देखा जाए यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी बढ़ती ज़रूर नजर आ रही है, लेकिन आखिरकार क्या इस बार भी बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती नजर आएगी या फिर इस बार कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आता नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस साफ तौर पर कह चुकी है कि यहाँ पर अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। तो तमाम तरीके की जानकारियां सामने आ रही है कर्नाटक चुनाव को लेकर। अब देखना यह है कि क्या एग्जिट पोल सच में यही साबित कर पाते कि कांग्रेस की जीत और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। देखते हैं एग्जिट पोल में क्या कुछ सामने आता है और 13 मई को किसकी सरकार बनती है। अब इस मुद्दे को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगा। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज टाइम्स।